नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज महान दिन संगीत के लिए दोस्तों, परम आदरणीय लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। 92nd बर्थडे ट्रिब्यूट बाय चैनल रोहित कटारिया। आप सभी के लिए राग यमन, यमन कल्याण पर आधारित लता जी के गाए हुए अनमोल नगमे, जो कि आज भी हम गुनगुनाते हैं, उनको याद करते हैं। तीन कंपोजर्स मैं आज लूँगा दोस्तों, मदन मोहन साहब, आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, जिन्होंने राग यमन और यमन कल्याण में लता जी के लिए कंपोज किया। दोस्तों देखिए, यमन और यमन कल्याण में सिर्फ बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क है दोस्तों। निरे गा मा प म ग रे सा, सिर्फ तीव्र मध्यम का प्रयोग जहाँ हो वो यमन है, लेकिन शुद्ध मध्यम का लाग देना या शुद्ध मध्यम का टेस्ट दे देना वो यमन से यमन कल्याण हो जाता है। निरे गा मा प म ग मा ग मा रे ग मा ग रे सा, यमन कल्याण भी संपूर्ण यमन है दोस्तों, लेकिन उसमें शुद्ध मध्यम अगर हम हल्का सा प्रयोग कर देते हैं तो वो यमन कल्याण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम इसी राग को मद्देनज़र रखते हुए शुरुआत करते हैं लता जी के गाए हुए यमन और यमन कल्याण पर आधारित फिल्मी गीत। मैं 1962 से 1976 तक आपको लेके चलूँगा दोस्तों। 1962 में एक मूवी आई थी दोस्तों, आपको ध्यान होगा, अनपढ़। उसमें एक गीत था, मदन मोहन साहब की रचना थी, जिया ले गए जी। जी हाँ दोस्तों, ये राग यमन का प्रयोग देखिए मदन मोहन साहब द्वारा। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया। जिया ले गयो री मोरा सावरिया। अब आप देखिए यमन की नोटेशन का क्या खूबसूरत प्रयोग हुआ है। पानी नी नी रे 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 मा 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 धा पा मा पा रे, नी रे 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 मा 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 धा दा दा सा नी धा नी पा। ओ पपी हे, ओ पपी हे, तूने पपी हे नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके बलैया। जारे दीवाने मारना ताने, पिया की सुने जाके बसुरिया। जिया ले गयो री मोरा सावरिया। इसका शास्त्र बताता हूँ दोस्तों, क्यों ये राग यमन है। नोटेशन तो आपने देख ही ली यमन में। पानी नी नी रे 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 मा 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 धा पा मा पा रे, परे की संगति कल्याण का सूचक। मैंने 20 लेक्चर दोस्तों आपको इस राग में दिए, जरूर देखिएगा। स्पेशली 10 गाने मैंने मेडले के रूप में भी दिए हैं दोस्तों। ये ताल क्योंकि द्रुत कैरवा है दोस्तों, ये गाना उस मेडले में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये गाना इस मेडले में आपको दिया नहीं। लेकिन आप देखिए यमन का खूबसूरत प्रयोग, गज़ल के शहजादा जिनको लता जी ने कहा था मदन मोहन साहब। सा सा ग रे मा ध प मा ग ग रे रे ग सा, नी ध नी रे मा ध सा नी ध प प प म ग रे ग म म ग रे म ग सा सा ग रे मा ध म ग ग ग रे रे ग सा। तो ये पहला गीत मैंने आपको बताया दोस्तों राग यमन में। दूसरा जो गीत है दोस्तों, 1962 से आपको मैं आप लेके चल रहा हूँ 1964 में, राग यमन कल्याण का प्रयोग मदन मोहन जी द्वारा। मूवी थी दोस्तों हकीकत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। आप देखिए दोस्तों, क्यों है ये राग यमन कल्याण, दोनों मध्यम का प्रयोग हमें दिखता है। सा सा ग पा 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 धा पा मा मा ग रे
रे नी रे रे ग प म ग ग रे रे सा सा नी रे ग ग ग ग नी रे ग यमन का सूचक सा नी रे मा 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 ग ग रे रे सा सा नी रे ग ग ग ग है कि नहीं दोस्तों। अंतरा देखिए दोस्तों, कल्याण अंग का ये राग है राग केदार। सा मा मा प मा मा प द प मा प नि द सा द प मा। इस राग की आत्मा अंतरे में आपको दिखाता हूँ। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है। शुद्ध मध्यम भी लग गया। शाम से पहले दिया दिल का जला देता है। है उसी की ये सदा है उसी की ये अदा। कहीं ये वो तो नहीं कहीं ये वो तो नहीं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा गीत मदन जी की रचना थी और लता जी ने क्या इसको गाया है। मैं अगर उनके बारे में बोलने लग जाऊं दोस्तों तो ये जन्म तो बहुत ही कम पड़ जाएगा दोस्तों। तीसरा गाना अगेन अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मूवी सती सावित्री 1964। ताल रूपक में देखिए यमन कल्याण को क्या सुंदर रूप से पिरोया गया है। और ये ड्यूएट सॉन्ग है दोस्तों, लता जी के साथ मन्ना डे साहब ने इस गीत में अपने स्वर दिए हैं। कौन सा गीत है आप पहचान गए होंगे, तुम बत पिरोया गया है। सा ग प म रे नी रे म ग रे सा नी नी द नी रे रे प म रे ग प म ग रे सा नी। अब देखिए प म रे ग प म ग, दोनों मध्यम का प्रयोग इस कारण से यमन के कल्याण है। थ द द ग म ध मा ध प म ग प प प सा प म ग म प म ग रे सा सा ग प म रे नी रे म ग रे सा नी द नी रे रे प म रे ग म ग रे सा नी द नी रे सा सा। तो आप देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत इसको लता जी ने निभाया है और क्या आलाप लिया है इसमें। अब सारे गा पानी सने पगरे सा। ये राग हंस ध्वनि का कितना सुंदर प्रयोग है। देखिए अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ रूपक में निबद्ध तिन तिन ना। तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर मैं अधूरी सांस भर। तुम हो काया मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। मैं धरा की धूल हूँ। सम तो ये गीत तीसरा गीत मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की 64 से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों 1975 में। आर डी बर्मन साहब ने इस राग में कितना खूबसूरत भारत रत्न लता जी को गवाया दोस्तों। जी हाँ, मूवी थी दोस्तों आंधी, आप पहचान गए होंगे। किस गीत की मैं बात कर रहा हूँ, गुलजार साहब और आर डी बर्मन साहब का ऐसा कॉम्बिनेशन रहा दोस्तों जो कि आज भी हम याद करते हैं। किस प्रकार इसको दोस्तों राग यमन में पिरोया गया। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं,
कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहे, इस मोड़ से जाते हैं। देखिए, पापा निधा सा निधा नी मापा, यमन है कि नहीं, गाधा पापा धपा गा सारे, रे पा गा गा पा गा रे सा दा सा पा गा पा। आगे किशोरदास साहब की एंट्री होती है, पा 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 मा धा पा मा गा, पा 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 मा धा पा मा गा, गा धा पा पा धा पा गा सारे, रे पा गा गा पा गा रे सा दा सा पा गा पा। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों दो में, तिनके के नशे मन तक, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। अंतरे की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों, आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है। यहाँ पर शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो जाता है दोस्तों, रे मा धा पा मा गा, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते हैं। ताल कैरवा में बहुत खूबसूरती से इसको पिरोया गया दोस्तों। पांचवे गीत की तरफ लेके चल रहा हूँ दोस्तों, राग यमन कल्याण का एक और गजब प्रयोग दोस्तों। जी हाँ, आरडी बर्मन साहब की ही रचना, गुलजार साहब ने ही लिखा है, राग भी वही है, ताल भी कैरवा है दोस्तों, और गाया भी लता जी ने है। ये पांच चीज़ों का संगम किस में मिलता है दोस्तों? जी हाँ, मिलता है किनारा मूवी आई थी 1976। नाम गुम जाएगा